हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरटीएस टेक ज्ञान में। आज हम आपके लिए लाए हैं रियलमी का सेल्फी ट्राइपॉड। तो इसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे कि क्या हमको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या इसके नुकसान हैं और क्या इसमें आगे आपको दिक्कत कर सकती हैं। इसमें हम एक एक चीज़ के बारे में, कंपोनेंट के बारे में डिटेल सब बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इनको कंपेयर किया कि इनका प्राइस कहाँ कहाँ वैरी करता है। तो हमने जब देखा इनका रियलमी स्टोर और अमेजोन दोनों पे प्राइस का सेम है, तो हमने इसको प्रिफर किया अमेजोन साइट से। क्यों प्रिफर किया? क्योंकि भाई इनमें 10 दिन के रिप्लेसमेंट देते हैं, जबकि रियलमी स्टोर में आपको 10 दिन का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए कंफर्ट के लिए हम इसको यहीं से खरीदे, कोई भी इशू हो जाए तो उसको 10 दिन के अंदर रिफंड कर सकें, इसको वापस ले लें और हमें दूसरा दे दें। तो सबसे पहले हमको इस पैक के अंदर ये पॉलीथीन के साथ मिले। जब हम इसको पॉलीथीन को पूरा हटाएंगे, काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक करके दे रखा है। इन्होंने कुछ से डिस्क्रिप्शन बताया है, इन्होंने बताया 5.1 ब्लूटूथ दे रखा है, सेपरेट ब्लूटूथ रिमोट, 10 लॉन्ग इफेक्टिव रेंज, स्टेबल अपराइट, ये तब तो सब बताते हैं, 360 डिग्री रोटेशन। तो इन्होंने मेड इन चाइना ही बता दिया है। खैर छोड़ो, क्या बात कर सकते हैं। अब इसका हम जब पैकेजिंग इसका खोलेंगे, तो इसमें जब आप इसका पैकेज ओपन करेंगे तो इनका लोअर साइड से पैकेज ओपन होता है। ऊपर से मैंने कुछ किया नहीं, ऊपर से नहीं, नीचे से ही इनका खुलता है। पैकेज के अंदर इन्होंने पेपर दे रखा है, तो निकालते हैं इसको हम। तो इन्होंने काफ़ी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। खैर छोड़ो, इसको साइड करते हैं, ज़रा पेपर देख लेते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। फालतू की चीज़ें दे रखा है, किसी काम का ही नहीं, हटा उसको। चलो देखते हैं इसमें। जब आप सबसे पहले फ्रंट में देखेंगे, इसका फ्रंट बैक तो समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने ये जो आपको पॉलीथीन दिख रही है ये ब्लूटूथ का है। जब आप इसको खींच लेंगे, खींचने के बाद ये ब्लूटूथ लाइव हो जाएगा, मतलब अभी ऑन हो गया। पता नहीं क्या इसमें लिख के रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले आते हैं इनके डिज़ाइन पे। इन्होंने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बना रखा है, समझ लीजिए एकदम से ट्राईपॉड। यहाँ 3 पार्ट में निकलेगा, बाकी यहाँ ब्लूटूथ इन्होंने इसको पोजीशन में स्लॉट कर दिया है। उसके दूसरे साथ साथ इन्होंने ये टर्निंग डिज़ाइन बना रखा है, जिसको आप इसको उठाएंगे तो इस तरह यहाँ आपका मोबाइल अटैच करने के लिए प्लेस दिखाई पड़ेगा। इसका लुक काफ़ी मतलब कि अट्रैक्टिव बना रखा है। यहाँ इन्होंने रबड़ दे रखा है, बाकी यहाँ रबड़ दे रखा है, इस साइड थोड़ा कम्पैक्ट और इन्होंने थोड़ा शाइनिंग के लिए इसको बना रखा है। बाकी इसके वेट का बात कर लें, वेट इन्होंने बोला है जैसा कि 162.5 ग्राम है, एग्जैक्ट पता नहीं मतलब कि ये बताए हैं। इसमें ब्लूटूथ के लिए यहाँ आपको एक चीज़, यहाँ पर आपको बैटरी, जब बैटरी इसकी डिस्कनेक्ट, जब बैटरी इसकी थोड़ी वीक हो जाएगी तो आपको यहाँ से बैटरी बदलना पड़ेगा। 3 वोल्ट की बैटरी है, इसको आप बदल लीजिएगा कभी भी, अगर कभी इसका बैटरी लो हो जाती है। अब हम इनके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं कि कितने पार्ट में ये डिवाइड है। तो ये इसको हम ओपन कर देते हैं। ये पार्ट है इसका ट्राइपॉड, जहां 3 पार्ट में ओपन होगा। ट्राइपॉड के लिए इन्होंने ये जो आपको स्टिक देख रही है, इसको आपको पुश अप करना पड़ेगा। ओपन कर लेंगे तो ये आपका स्टैंड तरह काम करेगा। देख सकते हैं इसको, इन्होंने ट्राइपॉड का मतलब ये कंपोनेंट हो गया, इसके बाद ये कंपोनेंट है और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो है ये। इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे अच्छी ग्रिपिंग के लिए यहाँ इन्होंने रबड़ का यूज़ किया है तीनों साइड में। अब बात कर लेते हैं इसके इस कंपोनेंट में मतलब कि समझ लीजिए सब कॉम्पैक्ट होगा यहीं पर। इसमें इन्होंने ब्लूटूथ है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ब्लूटूथ है ये। इसका रेंज 10 मीटर है। क्यों है? क्योंकि इसका जो ब्लूटूथ है वो 5.1 इन्होंने दे रखा है। इसको आप कंटिन्यूस प्रेस किए रहेंगे तो ये ग्रीन कलर का ब्लिंक हो जाएगा, मतलब कि ये आप रिसीव करने के लिए तैयार है कनेक्टिविटी। अब आप किसी भी सेट से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सेट से कनेक्ट कर लेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। बंद करने के लिए इसको कंटिन्यूस प्रेस करना पड़ेगा और ये बंद हो जाएगा ब्लिंक करके।
अब बात कर लेते हैं इनके अपर पार्ट में। अपर पार्ट इन्होंने बोला है कि 360 डिग्री टर्न होगा। क्यों होगा देख सकते हैं इसको आप, यहाँ से टर्न होगा एक पार्ट दो पार्ट। इसके हम बाद बताएंगे कि ऐसा क्यों टुक टुक बोला। जब हम इसको ओपन करेंगे सबसे पहले आपका ये नीचे वाला निकलेगा इसको, ठीक है। इसके बाद फिर और से कंपोनेंट इसके अंदर निकलेंगे। इसका इन्होंने जो डिस्टेंस बताया बताया 60 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस है इनका। अगर हम मैं इसी के कंपेयर में अगर हम बात करें रेडमी का भी ट्राइपॉड आया है तो इसका छोटा दे रखा है, तो इसलिए मैंने इसको प्रीफर किया। थोड़ा सा ये 200 रुपये इस हिसाब से इन्होंने महंगे कर लिए हैं, और रेडमी का थोड़ा सा ट्राइपॉड एक तरफ से छोटा कह सकते हैं, सेल्फी स्टिक थोड़ा मतलब कि छोटा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कहाँ आप सेट लगाएंगे। सेट आपका यहाँ लगेगा, और इन्होंने यहाँ रबड़ की ग्रिपिंग दे रखी है। क्यों दे रखी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जो दे रखा है काफ़ी हार्ड दे रखा है, मतलब काफ़ी आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा इसमें सेट लगाने के लिए। तो देख लेते हैं एक बार हम, जैसा कि हमेशा सब लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, पावर अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है इसमें, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ डिजाइन दे रखा है। तो इस हिसाब से आपका सेट कोई भी सेट हो इसमें लग सकता है। हाँ, आपको लगाते टाइम बिल्कुल लग सकता है कि मेरी स्क्रीन ब्रेक हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ का प्रोटेक्शन रबर प्रोटेक्शन दे रखा है। अगर आपके डुप्लीकेट स्क्रीन है तो थोड़ा रिस्क है, हम तो कहेंगे कि बिना कवर के ना यूज़ करिएगा। इन्होंने जो टर्निंग की बात बताई है इसकी बात की है टर्निंग की, ये वन स्टेप टर्न हुआ एंड ये अगेन सेकेंड स्टेप टर्न हुआ, तो इसको 360 डिग्री बोल दिया है। बाकी इन्होंने जो इस चीज़ का जो कंपोजिशन बना रखा है इसे बोल रहे हैं एल्युमिनियम अलॉय बना रखा है। क्यों, क्योंकि इससे लाइट वेट बना रहे। अब सेल्फी स्टिक के लिए यूज़ करने के लिए आपको टर्न करके यहाँ फ्रंट में लाना पड़ेगा, यहाँ से आपको अपने मोबाइल में कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, इसमें आपका दिखाता है रियलमी ट्राइपॉड, आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। अब इसको आप एक्सपोज करके कुछ भी एंगल पे इसको टर्न करके यहाँ से फोटो ले सकते हैं। चलिए वो कनेक्ट करके देख लेते हैं। एक बार जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ आपका कोई भी चीज़ है इसको बस प्रेस करिए और ये फोटो कैप्चर हो जाएगा। यही मोड आपका वीडियो में भी रहेगा। चलिए, तो पूरी बात हो गई डिटेल सेल्फी स्टिक की। अब बात कर लेते हैं इनके ट्राईपॉड, क्योंकि ये दो फंक्शन काम कर रहे हैं, एक सेल्फी स्टिक और ये ट्राईपॉड। तो ट्राईपॉड के लिए चलिए एक हम डिटेल लेते हैं। ये ट्राईपॉड का इसका मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि इससे आप बिलो नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ ये इससे स्टॉप कर लेगा। अब इसकी हम सबसे हाईएस्ट बात कर लेते हैं, कितना ऊपर ये स्टेबल रह सकता है। ये इनका सबसे हाईएस्ट पार्ट रहेगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी इन्होंने स्टेबल बना रखा है। अगर इसको आप तुरंत आप अगर सेल्फी स्टिक बनाना चाहें तो कुछ नहीं करना है, इसको बस जस्ट नीचे से प्रेस कर देना है। इस तरह आपका एक सेल्फी स्टिक बन जाएगा। अगर आपका सेट भारी है तो आपको थोड़ा फोर्स से उठाना पड़ सकता है। बाकी इन्होंने कॉम्पैक्ट डिजाइन दे रखा है, अगर मतलब कि ये है कि गिरने का चांस नहीं रहेगा, कि अगर लूज दे देंगे तो चांसेस हो सकते हैं कि गिर भी सकता है। तो अगर इन्होंने काफ़ी स्ट्रांग दे रखा है, इसका यही फायदा है कि आपका गिरेगा नहीं। इसमें प्रॉब्लम बात कर लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जैसा कि पहले ही हमने बताया कि इनका जो 360 डिग्री इन्होंने जो बोला है एक स्टॉप पे आके ये रुक जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि ट्राईपॉड को हम एकदम से टिल्ट कर दें तो टिल्ट नहीं होगा, एक स्टॉप के बाद ही रुक जाएगा। हाँ, अगर आप इस तरह कोशिश कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब कि अगर आपको कोई नीचे चीज़ रिकॉर्डिंग करनी हो तो अगर आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर ज़्यादा की बात करें, ज़्यादा आप इस पर फोर्स डालेंगे तो ये आगे तरफ झुक जाएगा। अब नुकसान इसमें और क्या क्या है, इसमें जो सबसे पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ इसमें जो है, इसका जो स्प्रिंग इतना टाइट इन्होंने दे रखा है। अगर इससे कोई अगर आपने कभी मतलब कि डिस्प्ले चेंज कराया हो, डुप्लीकेट डिस्प्ले ने डलवा दिया हो, तो ये ब्रेक कर सकता है। आपका टेम्पर्ड अगर आउट ऑफ स्क्रीन है तो वो भी इसको ख़राब कर सकता है। तो इन्होंने टर्निंग बना रखा है कि अगर आप मतलब कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में होना चाहें तो इस हिसाब से आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा इशू आपका थोड़ा नॉलेज में है कि यहाँ पे पावर बटन वॉल्यूम बटन आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा साइड में करके आपको इसमें थोड़ा फ़ोन लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको साइड में लगाएंगे तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा इस टाइप का। स्ट्रांगनेस ना होने की वजह से ये थोड़ा आपका डिस्प्ले झुक सकता है। तो ये चीज़ इन्होंने थोड़ा सा लूज बनाया है, इसकी वजह से इसको नुकसान झेलना पड़ सकता है।
अब दूसरी बात किया जाए इसमें कि इसका शॉर्टेस्ट ट्राइपॉड डिस्टेंस इतना ही है, इससे अब नहीं जाएगा, इतना ही, इससे बिलो नहीं, इससे बिलो जाए जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्टॉपेज लगा रखा है। और इसका जो इन्होंने बटन दे रखा है काफ़ी समझ लीजिए एक तरफ से लूज दे रखा है, थोड़ा सा इसमें स्ट्रांगनेस चाहिए था लेकिन इन्होंने लूज दे रखा है। लूज देने का ये भी वजह हो सकती है कि इसका जल्दी ख़राब ना हो, तो इस चीज़ पर कोई बहस नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि सेल्फी स्टिक भी हो जाए और ट्राईपॉड का भी एक साथ काम हो जाए तो आप इसको ले सकते हैं। तो अगर हम रिकमेंडेड करेंगे तो हाँ आप इसको ले सकते हैं। अगर रेडमी के कंपेयर में बात करें तो रेडमी से ये काफ़ी बेटर है, और मेरा रिकमेंडेड होगा तो आप अमेजोन से ही लीजिएगा, रियलमी स्टोर से ना लीजिएगा क्योंकि प्राइस दोनों सेम है। क्योंकि अगर कभी कभी मैंने इसका रिव्यू पढ़ा तो काफ़ी इन्होंने कुछ लोगों ने बताया है कि इसके कंपोनेंट कभी कभी ख़राब मिल जाते हैं, आपको ब्लूटूथ वाला कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं मिल पाता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।